जी की हाल चाल है सबको, मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा नहीं निकले हैं, सबको बहुत बहुत नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और विश कर दो हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं, आप जशपुर से हो तो आप चाय बागान गए होगे, और अगर नहीं गए हैं तो आज मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं इसीलिए तो हूँ, मैं जहाँ जाऊँ आपको साथ लेकर जाऊँ। तो चलिए चलते हैं चाय बागान। तो पहुँच चुके हैं हम लोग चाय बागान। मेरे पीछे ये रहा चाय बागान। आज का मौसम बहुत बढ़िया है यार, बादल ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसका दिखा देते हैं। सारोडी चाय बागान घूमने का समय है 8:30 से 5 बजे तक, प्रवेश शुल्क 10 रुपये। तो आप लोग आइए और मजा लीजिए। कोई दिख नहीं रहा है, कौन 10 रुपये ले रहा है, अंदर में होंगे इतना। उसके बाद यहाँ से फिर फोटो खिंचाने के लिए परफेक्ट। अच्छा यही तो करते थे, नहीं यहाँ टिकट अभी काटते, पहले वहीं काटते थे, अभी नहीं है ना, जिससे मिल जाते हैं। मस्ती वस्ती मारो यार। अरे पीछे 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 कहाँ गए, पीछे इतने जा रहे, अरे दिख नहीं रहे हो। हाय तो बोलो। हाय बोलना था क्या? हाँ हाय बोलो, हाय बोलना जो है मुनी है क्या? कुछ और बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ? बोल नहीं सकता। यहाँ लड़का देखी नहीं, शुरू हो जाती है। मेरे को बोल रहे हो तो अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है चाय। ये इसमें आ जाओ ना, भीतर भीतर आओ, तुम लोग सब लोग आओ ना। ऊपर से खींचो, फोटो सेशन हो रहा है गाइस, कैसा वाला से फेस दिख रहा है। मैं तो दिख ही रहा हूँ, देखो सिर्फ मुंडी दिखा रहे हैं सब। इंस्टाग्राम में डलेगा। कैसा आया है दिखा? मैं तो इधर नहीं, हम लोग थोड़ा ऊपर, ये वाला ठीक आया है, ये वाला ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फोन खेल रहे थे फिर ये। अभी 2 बज रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, अब इतने टाइम से भीड़ बढ़ते जाएगी और शाम को ठंडा होते जाएगा। अभी ठंडी नहीं लग रही, अभी गर्मी लग रहा है, अभी सही टाइम है ये, मतलब 1 बजे आप यहाँ आ जाओ, 2 बजे तक आपका निपट जाएगा, फिर खाओ कहीं और जाके खाना, चाहे यहीं खा लो। सब बने हुए और यहाँ ग्रीन टी भी अवेलेबल है। नहीं, हम लोग चाय पियेंगे, हाँ। चाय बनाने बोल रहे थे, हाँ। नहीं पहले ही बोल दिए थे। कौन सा पियेंगे? ग्रीन टी पी के जाते, हाँ, ग्रीन टी बना दीजिए। ग्रीन टी के
ग्रीन टी के पी के बताऊंगा ग्रीन टी पी के बताऊंगा कैसा है। आ चुका है ग्रीन टी, लाल चाय पीना था। चलो टेस्ट करके बताया चाय। कैसा लगा ग्रीन टी? मम्मी का रिएक्शन से समझ जाओ। सबका गजब रिएक्शन है। अरे एक नंबर। सिंपल प्लेन स्वादिष्ट, एकदम ही स्वादिष्ट है। पतले होते हैं इससे पता है, वजन घटता है। पियो इसको। हाँ पिए, मैं तो पतली हूँ, कितना है। चलिए तो टॉक्सिक मटेरियल निकल जाएगा सारे के सारे। चलिए मेरा पैर में गिरा रहा है, गरम गरम लगा होगा। गाइस चीयर्स, आप लोग भी जरूर पिएगा मेरे कहने पे। ये बात पता नहीं थी कि ग्रीन टी में शक्कर नहीं डालता है। वन शॉट, तीन शॉट में खत्म कर दे। एक हुआ, दो, तीन शॉट में खत्म। एक बार में उतार दे। नहीं लग रहा है, प्लेन तो है। आंवला जैसे आ रहा है टेस्ट अब मेरे मुंह में। ये कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लास्ट शॉट। आखिरी वाला कड़वा लगा मेरे। मजा आ गया यार, लेकिन चलो अभी अच्छा लग रहा है। नीम जैसा, भुई नीम जैसा तो नहीं है ना कड़वा। उसका भी अपना ही स्वाद है नीम का भी। तो गाइस यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं और इसके बाद अपन जाएंगे रानीदा और वहाँ पे खाना खाएंगे। अपन जा तो रहे थे रानीदा, तो उसी बीच में एक ब्रिज पड़ता है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और ये जो ब्रिज पड़ता है, याद होगा अगर आप जशपुर से हो या कभी रानीदा आए हो तो ये ब्रिज को पहचानते हो। ब्रिज के इस साइड तो पानी है, उस साइड क्या है? आवाज़ आ रही है आपको? छोटा सा झरना है। हमने सोचा क्यों ना यहीं खाना खा लिया जाए, तो अभी खाना खाएंगे क्योंकि आज है 2 तारीख। आज 2 जनवरी है, तो रानीदा में तो कल लोग पिकनिक मनाए होंगे, खूब सारी पार्टी हुई होगी, तो वहाँ कचरा होगा। लेकिन ये जगह काफ़ी साफ और सुथरी है, इसे खाते हैं सोच रहे हैं। बताओ, कुकर भी लेके आए हैं, ऐसा प्लानिंग के साथ आए हैं। ये भी है जापान डोरीमोन राइस के फिल्टर। ये जगह को हम लोग नाम दिए हैं छोटा रानीदा। छोटा वाटरफॉल, अननोन प्लेस, हम छोटा रानीदा बोलेंगे इसको। भाई यहाँ तो नहाने के लिए भी बहुत सही है यार। नहाने के लिए भी बढ़िया है, डुबकी मार के चल दो। काई जमा है, ओ भाई बहता पानी है यार, साफ पानी है। हाथ धो और खाओ पियो। रानीदा पहुंच गए।
इधर से एंट्री मार लो, गाड़ी अंदर रखो। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोग गाड़ी आप बाहर ही रखो, क्योंकि निकलते समय बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये देख रहे हो इसमें आपका चक्का एक इधर वो मज़ा नहीं आता है, चांसेस बहुत हाई रहते हैं नीचे टच हो जाएगा। बाहर ही रखो बेस्ट, बाहर मतलब फाटक लगा हुआ है उसके पहले ही रख दो बेस्ट। एंट्री करते ही आपको स्लाइड मिलेगा बच्चों के लिए और मंदिर, और इधर पूरा जंगल एरिया। खाना बना रहे हैं तो उनका धुआं उठ रहा है। अच्छा क्या चीज़ है, कहाँ रह गए? आओ जल्दी, भरा है पानी अभी भरपूर है। तो गाइस मैं आप लोग को इस तरफ का व्यू नहीं दिखाया हूँ, सीढ़ी से उतर रहे हैं, मंदिर के बगल से सीढ़ी है, थोड़ा सा छुपा हुआ है, आप लोग सर्च करके आइएगा। और यहाँ का नज़ारा आप लोग को नहीं दिखाया हूँ मैं लास्ट टाइम, अब पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हो रही है। लास्ट टाइम वहाँ था मैं, यहाँ ड्रोन गिरा था आपको याद होगा, और ये कुछ बढ़िया सा सीन, बहुत ही शानदार सा। और बने रहिए मेरे साथ एडम्स व्लॉग हिंदी के साथ। और ये कुछ सीन ऐसा है,